સચિન વિસ્તારમાં આવેલા એપરેલ પાર્ક નજીક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે. ગરીબ જરૂરિયાતમંદ નિરાધાર કારીગરોને મજૂરો અને કર્મચારીઓ સાથે સામાન્ય લોકો સુધી સારી સુવિધા પહોંચે તે માટે ન્યાયસા હોસ્પિટલની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. શહેરના સચિન વિસ્તારમાં આવેલા એપરેલ પાર્ક નજીક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે. ગરીબ જરૂરિયાતમંદ નિરાધાર કારીગરો મજૂરો અને કર્મચારીઓ સાથે સામાન્ય લોકો સુધી સારી સુવિધા પહોંચે તે માટે ન્યાસા હોસ્પિટલની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય અને તેનાથી નીચા ગરીબોને પણ સારી સુવિધા મળે તે હેતુથી 4 મિત્રો ભેગા થઈને આ હોસ્પિટલની શરૂઆત કરી છે. અત્યાધુનિક સુવિધાથી આ હોસ્પિટલમાં તમામ વર્ગના લોકો સુવિધા લે તે પ્રકારે ક્લિનિકમાં હોય તેવી ફીમાં મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી સુવિધા આપવામાં આવે છે. 36 બેડ ધરાવતી આ હોસ્પિટલ હેલ્થ ચેકઅપથી લઈને આઈસીયુ અને NICU ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. સચિન વિસ્તારમાં ઇન્ડસ્ટ્રી વધુ હોવાથી આગના બનાવ વખતે દાઝેલા દર્દીઓને સુવિધા ઝડપથી અને સારી મળી રહે તે હેતુથી અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 4 તબીબો હોસ્પિટલમાં સતત સેવા આપશે, જ્યારે અન્ય હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર સેવા આપવા માટે આવશે. નરેશ જીવરાજ સર, કહાં પે હોસ્પિટલ? हमने रूरल एरिया सचिन में एपरल पार्क के सामने उसको शुरू किया है और ये हमारा एक सपना था कि रूरल एरिया में अगर हम एक हॉस्पिटल खोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और उसी के लिए हमने ये स्थल चुना है रूरल एरिया में, क्योंकि लोग कमर्शियल सिटी में कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो सकता है, जबकि रूरल एरिया में हम लोग यहाँ पर कम से कम किफ़ायती दर में उनकी सेवा कर सके, निःशुल्क भी कभी कभी हम लोग उनको जिसको जरूरतमंद है उनको उनकी सेवा कर सके. जी सर, कितने लोगों को इसकी सहायता मिलेगी और कितने विस्तार में ये करीब करीब यहाँ से रेडियस में तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें लगता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर रेडियस में भी हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी है तो 20-25 किलोमीटर रेडियस में हम सेवा देते हैं तो ये 1 लाख से 1.5 लाख यहाँ में बस्ती है यहाँ पे रूरल एरिया में, क्योंकि हर एक रूम में सुडा में इसमें 5 से 10 लोग रहते हैं तो वो हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख कम से कम हम लोग उनकी सेवा कर सकें. विशेषता यहाँ पे ऑपरेशन OPD मीन्स हर एक तरीके की मल्टी स्पेशलिटी जो भी हॉस्पिटल में होती है तो एक रूरल एरिया में एक देने की प्रयास करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिटीज हम लोग देंगे, हॉस्पिटल्स ऑपरेशन OPD सारे चीज यहाँ पे है. और हम लोग हो सके इतना मेडिक्लेम उनको एक प्रचार भी करेंगे, प्रधानमंत्री योजना में आप अपने मेडिक्लेम लो जिससे 330 रुपया में तो उनको और भी हम सुविधा दे सकते हैं. कुछ जेनरिक मेडिसिन की व्यवस्था करेंगे जिसमें हम उनको कर सकें. ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि बहुत बीमारी अगर प्रीलिमिनरी स्टेज में अगर हम पकड़ सकते हैं तो उसका निवारण बहुत ही कम किफ़ायती दर में हो सकता है या तो ना बराबर पैसे हो सकता है. इसके लिए हमने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप 13 तारीख को यहाँ की SEZ के जितने भी एपरल पार्क में यूनिट्स है फ्री रखा है. उसके बाद में 14 तारीख को हमने रखा है मेडिकल चेकअप कैंप और लगातार मेडिकल चेकअप चालू रहता रहेगा जिससे कि उनको प्रीलिमिनरी स्टेज में ही उनको पता लग जाए कि यह छोटी सी बीमारी है, अगर बड़ी हो सकती है तो कम से कम या निःशुल्क में उनकी इलाज हो जाए. मैसेल्फ डॉक्टर आनंद बख्शी, जनरल सर्जन. ये हॉस्पिटल आज से उद्घाटन हुई है, ऐसे तो पेशेंट तो चालू हो गए एडमिट होने और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सचिन विस्तार में इस एरिया में काफ़ी ज़रूरत थी इसकी और 34 बेड की हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी विद फ्यू सुपर स्पेशलिटी जैसे कि न्यूरो सर्जरी है, यूरोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, इस सब की फैसिलिटी है. इट इज़ आवर मोटो इज़ इट इज़ अ बेसिकली कॉरपोरेट हॉस्पिटल बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ए कॉरपोरेट हॉस्पिटल. आवर मोटो इज़ नॉट ए टू मेक द प्रॉफिट और समथिंग लाइक दिस. आवर मोटो इज़ मेक टू सर्व द पीपल with affordable cost. That means proper treatment with affordable cost. वो लिखे है proper treatment तो भोजन में मिलते हैं लेकिन patient cannot afford the proper cost of the treatment. तो हमारी मोटो यही है कि इसको patient को जो proper treatment उसको मिले और वो उसके reasonable cost में affordable cost में उसको मिले.
इसलिए हमने अभी जो चार्जेस है ओपीडी चार्जेस ओनली 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ में कहीं जगह भी, कोई भी जगह, कोई भी हॉस्पिटल में, आई डोंट थिंक सो इन सूरत में कहीं भी हॉस्पिटल, इवन द ट्रस्ट हॉस्पिटल, महावीर भी ट्रस्ट है, आपके लोखाट भी ट्रस्ट है, वो लोग भी 50 रुपीज़ में कंसल्टेंट के साथ ट्रीटमेंट नहीं होती है, विजिट नहीं होती है, ठीक है। तो हमने ऐसा रखा है ताकि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। एंड इमरजेंसी 24 आवर्स है, 34 बेड की हॉस्पिटल है, उसमें 5 बेड ICU है, वेंटिलेटर, मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर, ऑल फैसिलिटीज, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज। इट विल बी, अभी तो स्टार्टिंग है, इट विल बी फ्यूचर, यू विल बी NABH एक्रेडिटेड हो गया मेरा, और बाकी सारी फैसिलिटीज है, ऑल फैसिलिटी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, गायनिक, पेडियाट्रिशियन, स्किन, VDRL एंड जो भी सुपर स्पेशलिटी जैसे मैं बताया, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बर्न के काफ़ी पेशेंट आते हैं, इसके लिए हमने अलग से व्यवस्था रखी है। OT अल्ट्रा मॉडर्न OT है, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, उनमें सारे ऑपरेशन जैसे जनरल सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक के, प्लास्टिक सर्जरी के, यूरोलॉजी के सारे होते हैं। फ्यूचर में अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा हमारी सहकार रही तो पब्लिक की, तो हम लोग आगे कार्डियक एंड अदर सुपर स्पेशलिटी में फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं।